हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है अलजेब्रा के सातवें क्लास में हैं और जो है हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से पढ़े थे। पिछले बार की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था जब एक पद दूसरे पद का रेसिप्रोकल नहीं हो तब मतलब कि क्या क्या फॉर्मूला होता है, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज उसको थोड़ा सा रिविजन करेंगे, फॉर्मूला को हम लोग ध्यान से देख लेंगे तो फिर अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने दो फॉर्मूला देखा था जैसे आपको बताए थे, पहला कि x प्लस वन बटे एक्स, ये व्युत्क्रम वाला स्थिति में है। x प्लस वन बटे एक्स बराबर मान लीजिए a था, तब जो है आप लोगों को जिसे पावर दुगना करना था x स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, तो आप इसमें क्या कर रहे थे a स्क्वायर और माइनस टू इस तरीका से आप कर रहे थे। प्लस है तो वहां पर क्या होता था माइनस। दूसरा फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था x माइनस वन बटे एक्स बराबर a होगा, तो जो है x स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू। ये तो उस परिस्थिति में हुआ जब पहला पद का व्युत्क्रम क्या है दूसरा पद, इसका व्युत्क्रम ये है, पहला का व्युत्क्रम दूसरा है, पहला का व्युत्क्रम दूसरा। ये फॉर्मूला हो गया उस परिस्थिति में जब पहला का व्युत्क्रम दूसरा। जब ऐसा नहीं हो, तीसरी बात आपने अध्ययन किया था कि मान लीजिए कि एक्स प्लस वन बटे वाई हो, है ना, पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, तो इसको इतना बराबर ये हो तो जो है आपको x स्क्वायर प्लस वन बटे y स्क्वायर का मान निकालना। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो तो होगा ही, जैसे a स्क्वायर माइनस टू यहाँ पर होता था वो तो होगा ही, साथ ही इन दोनों पदों का गुणनफल लास्ट में होगा दो के साथ में, यानी x और वन बटे वाई, यहाँ पर आपको गुना हो जाएगा एक्स गुने वन बटे वाई, ये फॉर्मूला बनता है आपको। उसी तरह से जैसे चौथा फॉर्मूला इसमें आ जाएगा x माइनस वन बटे वाई बराबर ए हो तो जो है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू, ये तो इतना होगा एक फॉर्मूला, साथ ही साथ इन दोनों का गुणनफल होता था यानी कि x गुने वन बटे वाई। तो ये फॉर्मूला हम लोग ने स्क्वायर वाला के लिए देखिएगा था कि नीचे तीन और चार नंबर का जो फॉर्मूला है उस परिस्थिति में जब पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं होगा तब, और ये दोनों फॉर्मूला उस परिस्थिति में है जब पहले पद का व्युत्क्रम दूसरा पद है तब, है ना। तो अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर करें, है ना, और लाइक कर लें, शेयर कर लीजिएगा और फिर बाद में जो है बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन और वीडियो मिलता रहे आपको। ध्यान दीजिएगा कि ये तो पावर एक्स का था, पावर क्यू होगा तो ये भी आपको उसी तरह से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था x प्लस वन बटे x बराबर a हो तो जो है आपको x क्यूब प्लस वन बटे x क्यूब, ये पावर तीन गुना करना है, तो इसमें बताया था a क्यूब और यहाँ प्लस है तो माइनस थ्री ए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। ये पहला पद का भी उत्क्रम रहेगा तब होगा। दूसरा बात हम लोगों ने पढ़ा था x प्लस वन बटे वाई जब पहला का भी उत्क्रम ही नहीं होगा, है ना, इतना बराबर a हो तो जो है x क्यूब प्लस वन बटे y क्यूब, यानी पहले पद का व्युत्क्रम जब नहीं रहेगा तो ये जो फॉर्मूला ही तो रहेगा ही, यानी a क्यूब माइनस थ्री a ये तो रहेगा ही, साथ ही थ्री a में अंतिम में जो है x पहला पद और दूसरा पद का गुणनफल आ जाएगा, पहला पद और दूसरा पद का गुणनफल आ जाएगा, यानी कि यहाँ x आ जाएगा और वन बटे वाई आ जाएगा। तो ये आपको समझ में होना चाहिए पूरा का पूरा, यहाँ गुणनफल आ जाएगा यानी गुना एक्स और वन बटे वाई हो जाएगा, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। दूसरा बात आपको देखिएगा इसमें जो है तीसरा नंबर का फॉर्मूला, जैसे एक्स प्लस वन बटे एक्स माइनस वन बटे ए, वन बटे एक्स बराबर ए हो तो जो है आपको एक्स क्यूब माइनस वन बटे एक्स क्यूब बराबर, अब देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ए क्यूब प्लस थ्री ए, ऐसा पढ़े थे। ये उस परिस्थिति में है जब पहला का व्युत्क्रम कौन सा पद है, दूसरा पद। आप जरा चौथा नंबर ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस वन बटे एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वन बटे वाई बराबर ए तो जो है एक्स क्यूब माइनस वन बटे वाई क्यूब बराबर, यहाँ पर देखिएगा ये जो फॉर्मूला है आपको
तीसरा नंबर में था, पहला का व्युत्क्रम दूसरा था, लेकिन चौथा नंबर का जो फॉर्मूला है उसमें पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, x का उल्टा 1 बटे x होता है 1 बटे y, तो पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, तो ये नहीं है। तो आपको एक फॉर्मूला में जो ये हो रहा था ए क्यूब और प्लस 3a, ये तो होगा ही, साथ ही साथ इसमें पहला और दूसरा पद का गुणनफल आ जाएगा, यानी एक्स गुने है ना, इसमें आ जाएगा आपको एक्स गुने 1 बटे वाई। ये आपको अध्ययन होना चाहिए, इतना तक तो हम लोग पिछले क्लास में भी सीखे थे, आज उसी का जो है वृहद रूप है, थोड़ा सा देखना है, व्यापक रूप का हम लोग अध्ययन विस्तार से कर रहे हैं। सारा प्रश्न बहुत कम समय में हल होगा, बेहद आसान तरीका से सारा प्रश्न हल होगा आपका, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। पहले जो प्रश्न है देखिएगा, ये पहला का व्युत्क्रम नहीं है, पहला पद x है, यहाँ 1 बटे 16 x है, तो पहला का तो व्युत्क्रम दूसरा नहीं हुआ, बराबर 2 दिया गया है, और यहाँ देखिएगा कि ये दोनों व्युत्क्रम है, ये 64 x क्यूब का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटे 64 x क्यूब, तो ये पहला का व्युत्क्रम दूसरा है। तो आपको अपेक्षा रखना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि क्या करें कि यहाँ भी पहला का व्युत्क्रम आ जाए, और ये चीज और ध्यान देना है कि जैसे पहला का वर्ग करें तो ये हो जाए, या इसका वर्गमूल, ध्यान से इसके बारे में समझिएगा, देखिए इसका घन करें तो ये बन जाए, या इसका घनमूल निकालें तो ये हो जाए। अब जरा सा देखिएगा, ये 64 एक्स क्यूब का घनमूल क्या होगा, 64 एक्स क्यूब का घनमूल 4 एक्स होता था, तो यहाँ पर हमको 4 एक्स लाना चाहिए, यहाँ 4 आना चाहिए, 64 एक्स का घनमूल 4 एक्स होता है, तो एक्स तो है ऑलरेडी, यहाँ 4 आना चाहिए, तो इसमें हमको 4 से गुणा कर देते हैं। देखिएगा इधर से जो है दो चीज आपको अध्ययन करना है, इधर जो प्रश्न है आपको जैसे इधर दिया हुआ है, आपको सोल्यूशन समझिएगा, इधर आप 4 से गुणा कर दीजिएगा, तो इसमें जब 4 से गुणा कीजिएगा तो ये बन जाएगा हमारा कितना 4 एक्स, और प्लस इसमें जब 4 से गुणा होगा, हर एक पद में 4 से गुणा होगा, तो इसमें गुणा जब 4 से होगा तो 4 एक्स बन जाएगा, इसमें 4 से गुणा हो जाएगा तो 1 बटे 4 एक्स बन जाएगा, ये 4 से गुणा होने पे 4 चौका 16 कटेगा 4 बार तो 4 एक्स आ जाएगा, अब इसमें भी 4 से गुणा होगा तो ये आपका 8 बन जाएगा, इधर का मामला हो गया, तो ये बन गया, आप देखिए क्या बन गया, यहाँ भी पहला पद का भी उत्तर हो गया दूसरा पद है ना, और यहाँ भी आपको है यहाँ पर 64 आपको है 64 एक्स क्यूब और प्लस 1 बटे 64 एक्स क्यूब, तो यहाँ भी आप समझ रहे हैं कि इधर आपका इस तरह का मामला है, तो ये आप देख रहे हैं क्या पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा और क्यूब हो गया, 3 गुना हो गया, तो पहला का व्युत्क्रम दूसरा रहेगा और क्यूब हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, सरल फॉर्मूला लगेगा, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, इसका होता है ए क्यूब और प्लस रहने पर माइनस 3a, यही फॉर्मूला लागू होगा, तो इसमें तो और कुछ है नहीं, आपको सिंपल सा बात है, पहला का व्युत्क्रम दूसरा है, यहाँ भी पहला का व्युत्क्रम दूसरा है ना, तो पहला का व्युत्क्रम जब दूसरा हो जाएगा तो फॉर्मूला यहाँ पर देखिए 8 का क्यूब हो जाएगा एक बार, फिर 8 का 3 गुना यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, 8 का 3 गुना 3 गुने 8 हो जाएगा, और इसमें एक्स वाई गुना करने से कोई फायदा होगा नहीं, पहला पद दूसरा पद यदि गुना भी कर देंगे, जैसे मान लो 4x गुना 1 बटे 4x कर देंगे, ये कट ही जाएगा, इसको करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये चीज अध्ययन आपको होना चाहिए, सीखा हुआ आपका जवाब बन चुका है, 8 का क्यूब 512 होता है और 8 की जगह 24 होता है, घट के 488 आपका जवाब हो जाएगा है ना, ये सब आपको अध्ययन होना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग और सेंस आपका ताकतवर बन गया तो समझिए कि आपको मौखिक ये सब जवाब होता है, ये सब ही आपका सारा मौखिक हो जाता है, जैसे यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 64 क्यूब यहाँ बन जाएगा, 4 से गुना करेंगे 8 आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, 8 का क्यूब 512 और 8 की 24 घट जाएगा, 512 में जब 24 घट जाएगा तो 488 घट जाएगा, ये मौखिक जवाब है ना, तो आप सीखिएगा ढंग से तो आपको पूरा इसे कठिन की कोई जरूरत नहीं, हमको पढ़ाना है इसलिए हम इतना लिख रहे हैं, यदि हमको पढ़ाना नहीं रहता, मौखिक जवाब देना होता कि आप दिमाग लगा के जवाब दीजिए, तो मैं ऐसे ही जवाब इसको क्या करता दे देता, आप लोग भी दे सकते हैं। ध्यान देते हैं अब अगले प्रश्न पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, यहां भी वही मामला, सेम टाइप का क्वेश्चन है,
यहाँ भी वही मामला ध्यान देंगे। यहाँ से ये पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद हुआ, 27x³ का व्युत्क्रम जानते होंगे 1/27x³ होता है, लेकिन जबकि यहाँ पर नहीं है, तो ये 27x³ का जो है घनमूल निकालिए, 27x³ का घनमूल निकालिएगा तो इसका घनमूल जरा देखिएगा 3x होगा, तो यहाँ तो आना चाहिए 3 और x, तो इसमें आपको हर एक पद में 3 से गुना कीजिएगा, हर एक पद में 3 से गुना कीजिएगा 3x बनेगा, और इसमें 3 से जब गुना होगा तो 3 की अनु कट के भी 3x हो जाएगा, और इधर भी आपको 3 से गुना होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि पहला का व्युत्क्रम दूसरा हो गया जिसका मान 3 है, और यहाँ इसका मान निकालना, तो यहाँ भी तो वही चीज है, पहला का व्युत्क्रम दूसरा है ही, अब आपको जो है क्या करना, 3 का क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 का 3 गुना हो जाएगा, तो आपको 27 में से जो है आपको 9 घट जाएगा, 27 में से 9 घटेगा तो 18 आंसर हो जाएगा। तो ये सब बहुत आसानी से बन गया, बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए हल हो गया है ना। और ध्यान देंगे यहाँ पर जो है कि इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, नए क्वेश्चन पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ से जो है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद है, लेकिन जो है आपको एक साइड में पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, तो संभव होगा तो बना देना चाहिए, यदि संभव ऐसा है तो, जैसे यहाँ पर इसका घनमूल निकालेंगे तो 5x बनेगा, तो फर्स्ट पद का घनमूल 5x हुआ, यहाँ फर्स्ट पद का यहाँ पर 5x आएगा, फर्स्ट पद x तो है ही 5 से, इसमें क्या करना गुना करना, यदि यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 5x बनेगा, और इसमें गुना करेंगे 5 से तो 5×5=25 कटेगा 5 बार में, तो 5x हो जाएगा, और इधर 5 से गुना होगा तो 10 हो जाएगा। अब आप समझिएगा कि यहाँ पर ही आपको इसका मान निकल जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब किया हुआ है, पहला पद का भी उत्क्रम दूसरा है ही, तो आपका 10 का क्यूब हो जाएगा है ना, ये 10 का क्यूब बनेगा, और ये प्लस है तो बीच में क्या हो जाएगा माइनस है ना, 3×10 हो जाएगा, इतना तक तो हो जाएगा, ये जवाब हो गया 10 का क्यूब 1000, और 1000 में 30 घट जाएगा तो आपको 970 जवाब हो जाएगा, आंसर आपका निकल गया है ना। तो ये सब अध्ययन आपको होना चाहिए, पूरी की पूरी समझ होनी चाहिए आपको, ध्यान देंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया है अभी आपका है ना। अभी आप देखेंगे कि पहला का भी उत्क्रम दूसरा यहाँ पर नहीं है, और इधर जो है पहला का भी उत्क्रम दूसरा पद है ना, तो आपको करना क्या है कि आपको इधर भी चाहिए, संभव है जितना उतना करिए है ना, जितना भी संभव है उतना कीजिए, जैसे पहला का भी उत्क्रम यहाँ हुआ, यहाँ भी बनाने का प्रयास करिए कि पहला का भी उत्क्रम यदि हो जाता है तो फर्क देने में फायदा है, आसानी से बन जाएगा आपका। तो इसका घनमूल पावर क्यूब है, तो घनमूल इसका निकाल कर देखिएगा 4x आएगा, तो x तो है यहाँ पर 4 की कमी है, 4 से गुना कर देंगे हर एक पद में, तो ये बन जाएगा 4x, और माइनस हो जाएगा, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 4×16 कटेगा तो यही 4x हो जाएगा, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 8 बन जाएगा है ना। आप देखिएगा यहाँ पर ही तो क्यूब होल है, पहला पद का क्यूब यहाँ 3× पावर हुआ, ये पावर 3× हुआ, यहाँ तो कुछ है नहीं, पहला का व्युत्क्रम दूसरा, पहला का व्युत्क्रम दूसरा पद, अब आपको 8 का क्यूब मिलेगा, यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस होगा 3×8 है ना, जवाब आपका निकल गया 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, और 8 की 24 जुटेगा तो 512 और 24 536 आपका जवाब हो गया है ना। तो ये सब अध्ययन आपको होना चाहिए, बहुत ही आसान तरीका से सब बनता, बहुत फटाफट भी बन रहा है, एकदम धाय धाय निकलते जा रहा है, तो यहाँ पर देखते रहिए ध्यान से समझिए आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो है आपका, पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, यहाँ पर देखिएगा पहला का व्युत्क्रम दूसरा है, तो आपको 27x³ का घनमूल क्या होता है 3x आएगा, तो यहाँ 3 लाना है, 3 से हर एक में गुना करेंगे तो 3x बन जाएगा, और यहाँ 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3×9 कटेगा तो नीचे 3x आएगा, और इस साइड 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब इसका मान कैसे निकलेगा 3 का क्यूब हो जाएगा है ना, यहाँ माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, 3 का 3 गुना होगा, 3 का क्यूब 27 होता है, और 9 जुटेगा तो 27 और 9 जोड़ के 36 जवाब आपका हो गया, इतना फटाफट बनता है, खाली समझ आपको होनी चाहिए, बहुत सिंपल तरीका से बन रहा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न,
अभी आप समझिएगा, अध्ययन करिएगा इसको। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है इसको बहुत सिंपल है। अभी आपको 125 क्यूब, हाँ इसका भी व्युत्क्रम इधर है, इधर पहला का भी व्युत्क्रम है तो बना देंगे इधर भी। अब यहाँ से इसका जो है घनमूल निकालिएगा तो इसका घनमूल 5x आएगा। x तो है इसमें 5 की कमी है, 5 से हर एक पद में क्या करना, गुना करना। ये मेरा बन जाएगा 5x, आई हो जाएगा 5 गुना करेंगे तो 25 नीचे 5x, यहाँ 5 से गुना करेंगे 2 में तो ये बन जाएगा 10। अब इधर देखिएगा आपको पहला का व्युत्क्रम दूसरा पद है, ये है तो 10 का क्यूब हो जाएगा, आई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 गुना 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000 और प्लस 30, और बताइए आप मिला करके 1030 आंसर हो जाएगा। तो ये सब आपको अध्ययन होना चाहिए, बहुत ही बारीकी से अध्ययन होना चाहिए, पूरा समझ होना चाहिए, कहीं कोई डाउट और संदेह नाम का कोई चीज नहीं रहेगा आपको, कुछ नहीं एकदम कोई संदेह नाम का कहीं जगह नहीं है इसमें। कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, अभी तक आप अध्ययन किए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा इसमें। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, सातवां नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखिएगा कि जो है आपको यहाँ भी जो है आपको पहला का व्युत्क्रम जो है दूसरा पद नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं वो पहला का व्युत्क्रम दूसरा पद है। तो आपको इसके हिसाब से यदि बन जा रहा है तो बना देना। आप देखिएगा ये पावर दो है, इधर पावर एक है, यानी पावर दुगना होगा, तो इसका वर्गमूल निकालिए। 4x स्क्वायर का वर्गमूल 2x होता है पहला पद में, यहाँ भी पहला पद में 2x आना चाहिए, जो वर्गमूल रहेगा तब यही आएगा। तो 4x स्क्वायर का वर्गमूल 2x होता है तो यहाँ पे x है लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पे 2 लाना है। 2 लाने के लिए सभी पदों में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, जब यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2x बनेगा, और प्लस इसमें जब 2 से गुना होगा तो 2 4 कटेगा तो आपको 1 बटे क्या बन जाएगा 2x, और इस साइड में 2 से गुना होगा 3 में तो आपको 6 बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहला का भी उत्क्रम आपको दूसरा पद हो गया है ना, सेटिंग हो गया, पहला का भी उत्क्रम दूसरा पद है, यहाँ पहला का भी उत्क्रम दूसरा पद है। अब आपको पावर दुगना करना है तो पावर दुगना करने का फॉर्मूला बताया थे आपको, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस है तो माइनस 2, ये फॉर्मूला था। तो आपको वही काम करना है यहाँ पर ही, अभी आपको यहाँ से 6 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस 2 होता है तो 6 का स्क्वायर 36 में से 2 घटेगा तो जवाब हो जाएगा 34। तो ये सब आपको समझ आनी चाहिए कि कभी कभी जो है आपको ऐसा होता है कि पहला का भी उत्क्रम एक तरफ रहेगा और एक तरफ नहीं रहेगा, जैसे इधर नहीं है इधर है, तो आप इसको कुछ गुना करके जो है समुचित संख्या गुना करके एक दूसरे का भी उत्क्रम बना करके जवाब दे सकते हैं, ज्यादा आसान पड़ता है भी उत्क्रम बनाने पर, है ना। ये अध्ययन होना चाहिए, अभी और ध्यान देंगे, बहुत अच्छा ढंग से हम लोग इसी को सीख रहे हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए, अभी और ध्यान देना चाहिए इसमें। अभी आप देखिएगा कि 9x स्क्वायर का व्युत्क्रम है, आपको 9x स्क्वायर यहाँ पे 1/9x स्क्वायर है, पहला का व्युत्क्रम इधर इधर नहीं है तो इधर बनाना है। आप पहला पद का वर्गमूल निकालिए तो 3x बनेगा, पहला पद का वर्गमूल इसका निकालेंगे तो 3x बनेगा, और यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर 3 नहीं है, x तो है लेकिन 3 नहीं, यानी इसमें हर एक पद में आपको 3 से गुना करना है, ये बन जाएगा हमारा 3x, ये बन जाएगा इसमें 3 से गुना करेंगे तो 1/3x, और इधर जब 3 से गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा। आप जरा समझिएगा, इधर आपको तो ऑलरेडी एक दूसरे का व्युत्क्रम में ही कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको समझना है कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 के स्क्वायर होने के बाद में ध्यान देंगे 6 का स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस चिन्ह है तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 36 में से 2 घटेगा, आप बता सकते हैं 36 में से जब 2 घटेगा तो आपका बन जाएगा, 36 में से 2 घटेगा तो 34 आपका जवाब हो जाएगा। तो बहुत अच्छा से बहुत आसानी से आपका बन गया है ना, बहुत सिंपल है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करिए, है ना, एक ही टाइप का 3-3 क्वेश्चन पर देखिएगा, पूरा दिमाग में बात सेट हो जाएगा कि कैसे हो रहा है ना। आप ध्यान से समझिए इसी को, बढ़िया से सीखिए। अभी आपको देखिएगा कि यहाँ पर पहला का भी उत्क्रम दूसरा है ना, पहले पद का व्युत्क्रम दूसरा पद है, 16x स्क्वायर का व्युत्क्रम 1/16x स्क्वायर इधर नहीं है तो इसका वर्गमूल निकालिए, पावर दुगना है तो वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल 4x होता है तो यहाँ 4x बनाना है, यानी इसके हर एक पद में जो है 4 से गुना करना, जब यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 4x बन जाएगा, यहाँ 4 से गुना करेंगे 4×16 कटेगा तो ये भी 4x बन जाएगा, यहाँ 4 से गुना करेंगे 8 बन जाएगा। अब आपको पहला का दूसरा व्युत्क्रम हो गया, यहाँ भी पहला का दूसरा व्युत्क्रम है, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, आपका स्क्वायर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2, 64 में से 2 घटेगा
है ना, 64 में से 2 घटेगा तो बता सकते हैं कि 62 इसका जवाब हो जाएगा। तो ये सब बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आपका बन रहा है। और ध्यान दीजिएगा जो है नेक्स्ट आपका हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, आगे तक विविध प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान देना आपको और पूरा पकड़ बनाना। यदि अधूरा ज्ञान रहेगा आपको तो परीक्षा आपको करेक्ट करने में बहुत विलंब हो सकता है। कंसेप्ट और समझ की कमी के कारण जो होता है आदमी बहुत पीछे चला जाता है, इसी मस्तिष्क के कारण आगे निकलता है, इसी मस्तिष्क और बुद्धि से आदमी पिछड़ भी जाता है, ध्यान रखना इसी को। अभी आपको देखेंगे 1/4x² बराबर 1/4 क्या होता है 4x², ये पहला का व्युत्क्रम, दूसरा पद यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो पहला पद का वर्गमूल निकालिए, 4x² का वर्गमूल आपका 2x होता है, यहाँ पर 2 लाना है, x तो है ही 2 लाना है, तो 2 से हर एक पद में गुना होगा। अब जब देखिएगा 2 से हर एक पद में गुना होगा तो यहाँ तो बन जाएगा हमारा 2x, ये माइनस रहेगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 बार कटेगा नीचे तो 1/2x आएगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अभी हर का मामला क्या करना, इसका मान तो डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि पावर दुगना करना है, पहला का व्युत्क्रम दूसरा है, तो आप 6 का² निकलेगा, यहाँ पर चिन्ह आपका माइनस है तो इधर हो जाएगा +2। अभी बताइए 6 का² 36 और 2 जुटेगा तो 36 और 2 मिला के 38, ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, ध्यान देना है खाली आपको। और ये भी पहला का भी उपकरण दूसरा है, बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर पहला का भी उपकरण दूसरा पद बना देना। तो आपको अध्ययन रखिएगा कि कैसे बनाते हैं, क्या गुना करेंगे यहाँ पर हम लोग कि पहला का दूसरा बन जाएगा। देखिएगा 9x² का वर्गमूल निकालिएगा तो 3x होगा, तो यहाँ पर 3x लाना, तो यहाँ x है, यहाँ 3x लाने के लिए इसमें 3 से हर एक पद में क्या करेंगे, गुना करेंगे। अभी पहला पद में जब 3 से गुना हो जाएगा तो 3x बन जाएगा, माइनस इसमें 3 से गुना होगा तो 3×9 कटेगा, 3 बार में कटेगा तो 1/3x आएगा, और इसमें 3 से गुना होगा तो 3×3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा। अब ये पहला का व्युत्क्रम दूसरा बन गया, यहाँ भी पहला का व्युत्क्रम दूसरा है, पावर 2 गुना करना है तो 2 गुना पावर करने के लिए 10 का² हो जाएगा, ये माइनस है तो +2 हो जाएगा, तो 10 का² 100 और 2 जोड़ के 102 बन जाएगा। ये बहुत आसानी से निकलता है, बहुत काफी अनुभव की बातें हैं, इसको रखना है दिमाग, हो जाएगा तो आप आराम से सारे प्रश्नों को ऐसे ही करते जाइएगा, बहुत आसानी से हल करते जाइएगा, कहीं कोई डाउट होने वाला नहीं। अभी और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है इस प्रश्न पर विचार करते हैं, ध्यान से समझिएगा इसी को, अध्ययन करिएगा, एक ही प्रकार के 3-3 क्वेश्चन हम दिए हैं ताकि आप लोग को पूरा पकड़ हो जाए, एडवांस मैच में किसी से कमजोर नहीं रहना। अभी देखिएगा यहाँ पहला का व्युत्क्रम दूसरा, तो पहला का व्युत्क्रम इधर दूसरा है लेकिन इधर ऐसा नहीं है, है ना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 16x² का वर्गमूल 4x होता है तो 4 से हर एक पद में यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो बनेगा कितना 4x, माइनस है आपका, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 4 बार में कटेगा तो 1/4x हो जाएगा, यहाँ भी 4 से गुना होगा 2 में 4 से गुना होगा तो 8 बन जाएगा। अब पहला का देखिएगा व्युत्क्रम दूसरा पद हो गया, 4x का व्युत्क्रम 1/4x है ना, तो पहला का व्युत्क्रम दूसरा हो गया। आपको यहाँ भी पहला का व्युत्क्रम दूसरा है ही, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है 8 का² तो होगा ही, है ना, ये माइनस चिन्ह है तो +2 हो जाएगा। अभी बताइए 8 का² 64, आइए 2 जुटेगा तो 64 और 2 66, ये आंसर हो गया, फटाफट आंसर आपको बनते जा रहा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका। अभी देखिएगा यहाँ पर तो पहला का व्युत्क्रम दूसरा है, 2x का व्युत्क्रम 1/2x, पहला का व्युत्क्रम दूसरा है, लेकिन इधर आपको जो है पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, तो ध्यान देना है आपको, ये पहला का व्युत्क्रम नहीं है, तो आपको यहाँ पर से आपको चलना है, इसका है फर्स्ट पद में यहाँ x का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकालना, इसका वर्गमूल यदि आप निकालिएगा तो x बनेगा, है ना, x² का वर्गमूल जो है वो x बनता है, तो यहाँ पर x आपको रहना चाहिए, यहाँ फालतू है, एक्स्ट्रा है 2 को नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पहला पद का वर्गमूल जो होता है वो x होता है, तो यहाँ भी आपको जो है x को ही रहना है ना, तब आपको दोनों मैच करेगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल x आ रहा है तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, x रहना चाहिए, और है क्या कितना 2x, तो x रहने के लिए 2 को हटाना है, यानी हर एक पद में 2 से 2 हटेगा कैसे, इसमें 2 से भाग देंगे कट जाएगा, तो हर एक पद में 2 से हमको भाग देना,
गुणा नहीं करना, हर एक पद में दो से भाग देना। आप देखिएगा इसमें एक जैसा दोनों जब होगा तभी पार दुगना कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें कि इसमें जो है यहाँ पर आपको जो है इसमें आप जरा सा ध्यान देंगे, इसमें क्या होगा कि हर एक पद में इसका वर्गमूल x होता है, यहाँ पर x होना चाहिए यानी दो एक्स्ट्रा है, दो को हटाना है, इसका मतलब हर एक पद में हम दो से क्या करेंगे भाग देंगे। अब इसमें दो से भागा दीजिएगा तो x बनेगा, है ना, प्लस इसमें दो से भागा पड़ेगा तो ये दो एक्स को नीचे था दो से भागा पड़ा तो ये चार एक्स हो जाएगा, वन बटे कितना हो जाएगा चार एक्स, और इसमें दो से भागा दीजिएगा तो पांच बटे दो हो जाएगा, इतना बात हो गया। आप देखिए अब क्या है स्थिति उसको समझिए, अब पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं, केवल एक दूसरे से ही मैच कर गया। देखिए आप x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर बनेगा, अब 1 बटे 4x का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटे 16x स्क्वायर बनेगा, एक दूसरे के लिए मैच कर गया, जो आंकड़े दिए गए हैं जो आंकड़ा निकालना पहले उसको मैच करा देना। अब देखिए दोनों संगत रूप से मैच किया, लेकिन आपको यहाँ पर कंडीशन जो था कि पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा होना चाहिए, जो नहीं है, है ना, पहला पद x है, x का व्युत्क्रम 1 बटे x होता है, यहाँ 1 बटे 4x दिया हुआ है, पहला का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं है, तो इसको मतलब इसका भी फॉर्मूला बताए थे आपको, जब आपको ये फॉर्मूला देखे समझाए थे x प्लस 1 बटे y बराबर a हो तो जो है x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर बराबर बताए थे a स्क्वायर माइनस 2 तो होगा ही, साथ ही पहला दूसरा पद का गुणनफल 2 के साथ आएगा, है ना, दो के साथ पहला दूसरा का गुणनफल आएगा यानी एक्स और वन बटे वाई भी यहाँ गुना हो जाता है। ये फॉर्मूला समझाया था आपको शुरू में, आज यहाँ भी वही काम आपको समझना, अभी आप ध्यान देंगे कि जो फॉर्मूला होना है जैसे व्युत्क्रम वाला जो फॉर्मूला होता है वो तो होगा ही, अभी जैसे पांच बटे दो का स्क्वायर तो होगा ही, ये तो बात सही है, यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह है तो माइनस दो होगा ही, अब इसमें गुना हो जाए, इसमें क्या गुना होगा, इससे पहला पद और दूसरा पद दोनों को गुना करना, पहला पद x है ना, और दूसरा पद 1 बटे कितना है 4x है, इसको गुना करना, है ना, ये चीज समझना है। जब पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं रहेगा तो जो व्युत्क्रम का फॉर्मूला है वो तो होगा ही, साथ ही साथ आपको इसमें दो में और गुना होगा पहला पद और कौन दूसरा पद, आप पहला दूसरा पद गुना करेंगे, देखिए एक से एक्स कट जाएगा, फिर दो दूनी के चार भी कट जाएगा, या नहीं भी काट सकते हैं रहने दीजिए, वहां तो चार आएगा ही, जैसे चार एक्स रह जाएगा ये दो ही रह जाएगा, आप काट भी सकते हैं मर्जी पर आपका डिपेंड करता है, काटिएगा फिर जो है चार यहाँ आएगा, देखिए दो पास पर चार होगा, अब आपको यहाँ से देखिएगा ये बन जाएगा आपको 25/4 और ये -2/4, है ना, नीचे का हर समान है, 25 में से 2 घट गया तो आपका जवाब हो गया 23/4 आंसर निकल गया, है ना, तो ये आसानी से निकला, लेकिन आपने देखा कि दो के साथ आपको इसके पहले पद और दूसरे पद को क्या करना पड़ा, गुना करना पड़ा, यह गुना कब होता है जब पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं होता है तब, तो ये कंसेप्ट हो गया, कोई बड़ा चीज नहीं, बहुत सिंपल है, लोग पढ़े नहीं एडवांस मैथ इसलिए उनको जो है परेशानी होती है या ध्यान नहीं देते हैं इसी पर, बहुत ईजी है एडवांस मैथ, अलजेब्रा तो बहुत ईजी है ना, बेहद आसान चीज है, दिमाग नहीं काम करता इसलिए कभी अध्ययन नहीं किए हैं सही तरीका से इसलिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, आपको ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल चीज है ये। अब देखिएगा ये प्रश्न आ गया, अभी आप देखिएगा कि इधर तो है व्युत्क्रम लेकिन इधर का मामला वैसा नहीं है, है ना, तो इसके अनुसार से ही सेटअप करना, आंकड़े को बनाना, जो मान निकालना, अभी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स बनेगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स होता है, यहाँ एक्स रहना चाहिए, तीन फालतू है एक्स करा, तो इसमें हर एक चीज में तीन से क्या करें भाग देंगे, अब तीन से भागा देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा एक्स बन जाएगा, यहाँ तीन से भागा देंगे तो तीन के नौ एक्स नीचे में आएगा 1/9x हो जाएगा, और यहाँ तीन से भागा पड़ेगा तो 4/ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब देखिएगा इसके इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 9x का स्क्वायर 81x स्क्वायर सेट कर लिया, तो आपको सेटिंग हो गया, आपको पावर दुगना करना है तो 4/3 का तो होल स्क्वायर होगा ही, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 2 होता ही है, अब जब पहला का भी उत्क्रमण दूसरा नहीं रहेगा तो इन दोनों का गुणनफल भी होगा, है ना, पहला पद का भी उत्क्रम दूसरा पद नहीं है तो इन दोनों पदों का गुणनफल भी होगा, तो इसमें गुना हो जाएगा x और 1/9x, अब x और x देखिए कट गया, ये 4 16/9 बनेगा, है ना, और माइनस इधर हो गया 2/9 बनेगा, और 16 में से 2 घटेगा 9 के नीचे में बराबर है,
16 में से 2 घट गया तो 14 बटे 9 हो गया। तो ये बहुत आसानी से बन गया, कहीं कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नाम का कोई चीज नहीं है। ध्यान देके एक बार भी पढ़ लोगे तो कभी कोई दिक्कत होने वाला तुमको नहीं, लाइफ टाइम दिक्कत नहीं होगा, जिंदगी भर कोई परेशानी नहीं होने वाला। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए, सही अध्ययन ही आपको रास्ता दिखावे। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये अगला प्रश्न है, अगला टाइप आ गया। चलिए अगला टाइप ही देखते हैं। ये देखिएगा आपको जो है यहाँ पर भी वही मामला, यहाँ एक स्क्वायर है, यहाँ व्युत्क्रम नहीं है, यहाँ पर पहला का व्युत्क्रम दूसरा दे दिया है। तो आपको इसके अनुसार जो मान निकालना है उसके अनुसार इसको सेटअप करना आंकड़ा को, है ना, इसे जो जाना है उसके हिसाब से यहाँ सेटअप करना। अब एक स्क्वायर का वर्गमूल जो है एक होता है, तो यहाँ पहला पद एक होना चाहिए, एक लाने के लिए दूसरे क्या करेंगे, भाग देंगे हर एक पद में। ये दो से भागा इसमें पड़ेगा तो एक हो जाएगा, माइनस यहाँ दो से भागा पड़ेगा तो चार एक हो जाएगा, और इधर दो से चार में दो से भागा पड़ेगा तो दो आ जाएगा। अब जरा समझिएगा, अध्ययन करिएगा इसमें, अब ये पहला का भी उपक्रम दूसरा नहीं रहा लेकिन ये सेटअप हो गया। जैसे पहला पद का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वन बटे फोर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वन बटे सोलह एक्स स्क्वायर सेट कर गया आपका। अब आपको ये फॉर्मूला को पहले भी उत्तर वाला लगाइएगा तो दो के स्क्वायर होगा, है ना, दुगना पावर करने के लिए स्क्वायर होगा। यहाँ माइनस यहाँ है तो यहाँ प्लस दो होता नहीं है, और जब पहला का भी उत्तरम दूसरा नहीं रहेगा तो इन दोनों को क्या करना, गुना करना। तो यहाँ पर इन दोनों को गुना करना वन बटे किस को, फोर एक्स को, है ना, पहला पद एक्स है दूसरा पद वन बटे फोर एक्स है, इसको गुना करना। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा दो बार में, है ना, यहाँ पर आपको चार बनेगा, दो का स्क्वायर चार बनेगा, प्लस यहाँ इधर एक बटे दो हो गया, और ये साढ़े चार कर सकते हैं या चार दुनी आठ एक नौ बटे दो कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो गया नौ बटे दो कर लीजिए या चार पूर्णांक एक बटे दो कर लीजिए, जो करना है ना। तो आंसर बहुत आसानी से निकल गया, अभी तक कोई परेशानी नहीं होगा पढ़ने में, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, एक थोड़ा सा अंश भी समस्या नहीं हो रहा होगा। और आगे ध्यान में यहाँ से जो है इसको देखिएगा, अभी आपको जो है इस प्रश्न पर विचार करते हैं। यहाँ देखिएगा आपको इसमें एक्स स्क्वायर है, इधर एकासी एक्स स्क्वायर है, ध्यान से समझिए, थोड़ा टेलीग्राम पर प्रैक्टिस भी करिएगा जो हम भेज रहे हैं, मैटर जो हम यहाँ से भेज रहे हैं, जितना भी आपको होमवर्क असाइनमेंट जा रहा है उस चीज का प्रैक्टिस करना जरूरी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो थोड़ा सा परेशानी आपको रहेगा। आम तक बहुत अच्छा अच्छा चीज आज पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आम तक बने रहिए इस वीडियो में। अभी आपको जो है इसमें एक स्क्वायर है और एकासी एक स्क्वायर, जरा समझिएगा, इसी के मुताबिक आंकड़ा होना चाहिए, आंकड़ा है ये वाला, ये तो परिणाम निकालना। तो आपको पहला पद का वर्गमूल जब निकालेंगे तो एक होगा, यहाँ पर पहला पद एक होना चाहिए, तो एक नहीं होकर तो थ्री एक्स, यानी तीन को हटाना है तो तीन से यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे, हर एक पद में भागा देना होगा तीन से। अब यहाँ तीन से भागा देंगे तो ये बनेगा x, और इसमें तीन से भागा देंगे तो वन बटे नाइन एक्स, और यहाँ तीन से भागा देंगे तो दो हो जाएगा, है ना। अब आपको पावर दुगना करना है, x का x स्क्वायर और नाइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इक्यासी एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल है। अब जरा समझिएगा, पहला काम तो आपका दो का स्क्वायर होगा ही, आई माइनस है तो प्लस दो होगा ही, और पहला का भी उपक्रम दूसरा नहीं है, तो पहला का भी उपक्रम दूसरा नहीं है तो आपको इन दोनों को गुना भी करना, पहला पद को और दूसरा पद को गुना भी करना है ना। आप देखिएगा ये दोनों कट जाएगा, है ना, ये दोनों कट गया तो आपका जवाब देखिए, ये दोनों कट गया तो क्या हुआ, कट जाने पर आपका देखिएगा अभी दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, आई हो जाएगा दो बटा नौ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नौ चौक छत्तीस दो अड़तीस बटे नौ, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ये तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, चार पूर्णांक दो बटे नौ भी लिख सकते हैं, जैसा भी आंसर हो, अड़तीस बटे नौ भी आंसर रहता है कभी कभी, कभी कभी पूर्णांक में भी रहता है, तो दोनों आप दे सकते हैं, फटाफट बनाइए ना, फटाफट बनते चला जाएगा, कहीं कोई डाउट थोड़ी है, मौखिक ही सब बनता है, कहोगे तो हम मौखिक को निकाल देंगे, है ना, लिखित थोड़े ही है, कुछ नहीं है इसमें, यहाँ एक स्क्वायर का वर्गमूल एक यहाँ बनाना है, तो ये हो जाएगा x माइनस वन बटे कितना x, चार x, और बराबर हो जाएगा पांच बटे कितना चार हो जाएगा। इसको देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पर ही जो है आपको पावर लाना, पांच बटे चार का स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस है तो प्लस टू हो जाएगा, गुने एक्स हो जाएगा, वन बटे फोर एक्स हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा पच पचे पच्चीस बटा सोलह हो जाएगा। आई जो है आपको है ना कट भी सकता है, दो बटे चार है, नीचे बराबर करने के लिए एलसीएम हमारा सोलह हो जाएगा तो ये पच्चीस बन जाएगा। अब देखिएगा चार चौक सोलह तो दो चौक आठ हो जाएगा और पच्चीस और आठ तैतीस, तैतीस बटे सोलह आंसर हो जाएगा है ना। एडवांस के प्रश्नों में जब ऐसा रहता है अधिकांश प्रश्नों का उत्तर फिर जो है जब उत्क्रम नहीं रहेगा तो आटा बटा में ही आएगा, जब भी उत्क्रम रहेगा पहला का दूसरा तब सिंपल आता है अधिकांश का। देखिएगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका आ गया है ना। अभी आपको समझना है इसमें क्यूब वाला मामला है, अगर पावर तीन गुना हो रहा है ना। सबसे पहले यहाँ पर पहला पद पर विचार करिए, इसका पहला पद क्या है, यहाँ यहाँ पहला पद जो है आपको वन बटा एक्स एक्स क्यूब है तो इसका घनमूल निकाल के देखिए, इसका एक्स क्यूब का घनमूल एक्स होता है, यहाँ पर तो एक्स बनाना है, एक्स बनाने के लिए इसमें दो से क्या करेंगे भाग देंगे, जब एक पद में दो से भागा पड़ेगा तो हर एक पद में दो से भागा पड़ता है समीकरण में। अब यहाँ एक दो से भागा पड़ेगा तो एक्स आएगा, इसमें दो से भागा पड़ेगा तो वन बटे टू एक्स बन जाएगा और इसमें दो से भागा पड़ेगा तो दो बन जाएगा। अब ये पहला पद दूसरा पद आ गया, दोनों का क्यूब करेंगे तो ये एक्स क्यूब और इसका आठ एक्स क्यूब बन ही जाएगा। अब इसका मान निकालने के लिए पावर तीन गुना का नियम लगेगा तो पावर तीन गुना में दो का क्यूब तो होगा ही, ये प्लस है यहाँ पर माइनस होगा है ना, दो का तीन गुना, दो का तीन गुना। और पहला पद का भी उत्क्रम दूसरा नहीं है, एक्स का भी उत्क्रम वन बटा एक्स होता है तो वन बटा टू एक्स है तो ये पहला का भी उत्क्रम दूसरा नहीं है, तो जब दूसरा नहीं रहेगा तो ये दोनों गुना होगा यहाँ भी, यानी वन बटे एक्स हो जाएगा और वन बटे टू एक्स गुने वन बटे टू एक्स, एक्स गुने वन बटे टू एक्स, ये पहला पद आई कौन पद दूसरा पद। आप ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों एक्स और एक्स कट जाएगा, दो और दो भी कट जाएगा है ना। अब जरा सा समझिएगा यहाँ से जो है क्या स्थितियां इसको समझिए, अभी जो है आपको दो का क्यूब आठ होता है और ये माइनस है और तीन हो जाएगा, आठ में से तीन घटेगा तो पांच आपका जवाब आ जाएगा। ये बहुत ही सरल तरीका से बन जाता है, बेहद आसान तरीका से देखिए बन गया। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, यदि समझ आ गया है आपको आप किसी से कम नहीं रहेंगे, लंदन कैलिफोर्निया वाशिंगटन डीसी कोई नहीं आपको ठीक कर पाएगा, थोड़ा सा अध्ययन आपको रखिए कहीं कुछ होने वाला नहीं है, विश्वास पर ही दुनिया चलती है और इसी विश्वास पर संबंध रिलेशन कायम होता है, ध्यान रखना आपको। अभी आप समझेंगे यहाँ से जो है ये चीज अध्ययन होना चाहिए, अब यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ पर इस तरह का है भी उत्क्रम तो नहीं है, यहाँ भी उत्क्रम नहीं है, लेकिन जरा एक्स क्यूब का आप घनमूल निकालेंगे, एक्स क्यूब का घनमूल निकालेंगे तो एक्स बनेगा, यहाँ पर एक्स रहना चाहिए, अब है कितना चार एक्स है तो चार को हटाने के लिए चार से भागा पड़ेगा, तो चार से भागा किसी एक में सभी पदों में पड़ेगा, यहाँ चार को हटाएंगे तो आपको एक चार से भागा पड़ेगा तो एक्स हो जाएगा, तो इसमें चार से भागा पड़ेगा तो इसमें भी चार से भागा पड़ेगा, चार से भागा पड़ेगा तो वन बटे और एक्स थोड़ी अब चार एक्स हो जाएगा, चार से भागा नीचे पड़ गया, अब यहाँ चार से भागा देंगे तो छह बटे चार हो जाएगा, काट देंगे तो तीन बटे क्या बन जाएगा दो बन जाएगा। आप पावर तीन गुना करना, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब चार एक्स का क्यूब चौसठ एक्स क्यूब, पावर तीन गुना का नियम लगा देंगे तो पावर तीन गुना हो जाएगा तीन बटे क्यूब तीन बटे दो का क्यूब हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा तीन गुना तीन बटा दो इतना होगा। और पहला का भी उत्क्रम जब दूसरा नहीं है, पहला का भी उत्क्रम जब दूसरा नहीं है तो ये दोनों पद से यहाँ पर क्या होगा गुना हो जाएगा, यानी एक्स गुने वन बटे कितना हो जाएगा फोर एक्स हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अभी जरा समझिएगा ये बनेगा आपको सत्ताईस बटे आठ, ध्यान से समझिए सत्ताईस बटे आठ बनेगा, और समझिएगा कि इधर कटेगा तीन तीन नौ बटे आठ बनेगा, नौ बटे आठ बनेगा है ना, तीन तीन के नौ हो जाएगा चार दूनी के आठ बनेगा, सत्ताईस में से नौ घटेगा है ना तो ये अठारह बटे आठ हो जाएगा, काटने पर ही जो है नौ बटे चार हो जाएगा, आपका यही जवाब आएगा, नौ बटे चार कर सकते हैं या दो पूर्णांक एक बटे चार भी कर सकते हैं, ये जवाब हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका से एक प्रश्न हल होता है, कहीं कोई डाउट नाम का कोई चीज नहीं, तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफल हो सके, कहीं कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा,
है ना, कोई नहीं रोकेगा, नौकरी हमेशा होती है, हमेशा होते आया। लेकिन आप समझिए कि आप पढ़े नहीं है सही तरीका से, जब तरीका सही नहीं रहा, अनुभवी शिक्षक आपको नहीं रहे, टाइम काट के निकल गया जैसे तैसे करके, तो वैसे तो बहुत आराम से पढ़ लेता, लेकिन किसी चीज को कंसेप्ट बना देना, किसी चीज के दिमाग में घुसा देना, ये मुश्किल काम होता है, बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति को समझाना होता है ना। यदि आप समझ रहे हैं तो आपको कोई परेशानी आगे कभी होने वाला नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न है, अभी आपको समझिएगा इसे, समझिए। अभी आपको x क्यूब है तो इसका घनमूल करेंगे तो x हो जाएगा, 3x का घनमूल यहाँ जो है आपको दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा दिक्कत है, त्रुटि है ना, सारी प्रश्न जो है गड़बड़ है। आपको जैसे यहाँ पर ही यहाँ पर 2x होना चाहिए है ना, तो सही बैठ जाएगा। अब सही देखिए, अब ये प्रश्न है, ध्यान से समझिए इसको जो है। जैसे इसका घनमूल आपको x हो गया और इसका घनमूल आपका है कितना हो रहा, तो यहाँ पर सेटिंग ऑलरेडी होल है ना, ऑलरेडी सेटिंग होल है। आपको x क्यूब का घनमूल जो है x है और 8x क्यूब का घनमूल कितना 2x है, तो डायरेक्ट इसका आने की पावर 3 गुना का लगा देंगे। अभी आपको 7 का क्यूब हो जाएगा, ये 7 है तो 7 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ प्लस चिन्ह है तो माइनस लगेगा, यहाँ 3 गुना 7 इतना तक तो होगा ही, इतना तक का होता है जब आपको पहला पद का व्युत्क्रम रहता है तब। आप जब पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा नहीं रहेगा, यहाँ नहीं है, पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, तो ये दोनों पद को क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो आपको गुना x हो जाएगा, गुना 1/2x हो जाएगा, 100x कट जाएगा, और यहाँ 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, यहाँ से 7 / 21/2 हो जाएगा है ना। इसको सरल कर लीजिएगा जो है, आपको यहाँ 10 बार में भागा लग रहा है, तो तोड़ सकते हैं आपको 3 × 6 = 34 × 68 है ना, घटा 21 और घटा कितना हो जाएगा 2। अभी आपको घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, और ये जो है 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा बटा 2, आंसर आ गया। तो ये चीज का अध्ययन आपको होना चाहिए सही तरीका से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया है आपको, है ना, यहाँ x क्यूब है तो x क्यूब का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ x होना चाहिए है ना। जरा सा समझिएगा, आपको यहाँ पर x आना चाहिए, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर जो है आपको x आना चाहिए क्योंकि x क्यूब का घनमूल x होता है, इसके लिए 2 से भागा देंगे तो x बन जाएगा, यहाँ 2 से भागा देंगे तो 1/2x हो जाएगा, यहाँ 2 से भागा देंगे तो 2 आ जाएगा है ना। यहाँ पर ये आपको देखिएगा, पहला पद का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, दूसरा पद का क्यूब करेंगे तो 1/8x क्यूब हो जाएगा, सेटिंग हो गया। अब आपको इस 2 का क्या करना है, 3 गुना पावर करना है तो 2 का घन तो होगा ही, और यहाँ पर ही माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 × 2 इतना तक तो होगा, लेकिन पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है तो दोनों पद गुना भी होगा, x गुना 1/2x हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, तो 8 और 3 मिला के 11 आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बनता है, बहुत आसानी से, थोड़ा सा ध्यान देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए देखिए, ये भी प्रश्न है, ये भी उसी तरह का है, ध्यान से समझिए। अभी आपको x क्यूब का घनमूल करेंगे तो आपको जो है आपको यहाँ पर आ जाएगा x, लेकिन यहाँ ये 4x है तो इसको जो है आपको भागा देंगे, आपको यहाँ पर देखिएगा आपको आ जाएगा कितना x, यानी 4 से भागा देना 1/4x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपको 3/4। अब जरा समझिएगा कि पावर 3 गुना करना है तो पावर 3 गुना करना है तो x क्यूब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये 3/4 का क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस है ना, आप 3 × 3/4 इतना तो हो गया, इतना हुआ किस स्थिति में जब एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो
यहाँ भी उत्क्रम नहीं है तो पहला पद और दूसरा पद को गुना करना, यहाँ एक्स और वन बटे फोर एक्स को गुना करना, तो एक्स गुना वन बटे कितना हो गया फोर एक्स, इतना एक्स और एक्स देखिए कट जाएगा, अभी आपको ये हो जाएगा सत्ताईस बटे चौसठ हो जाएगा और प्लस है आपको तीन किया नौ बटे सोलह, एलसीएम निकालिएगा यहाँ पर तो चौसठ हो जाएगा, इस सत्ताईस का सत्ताईस रहेगा और फिर इसको देखिएगा सोलह चौका चौसठ नौ चौका छत्तीस जोड़ जा दीजिए छः सात तेरह का तीन बाकी है चार दो छः तिरसठ बटे चौसठ, ये जवाब हो गया निकल गया तिरसठ बटे चौसठ। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बन रहा है प्रश्न आपका, ये भी उसी तरह का है आप बना सकते हैं इसको भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, आप अपने से भी बना सकते हैं है ना, कहीं कोई समस्या नहीं होगी आपको, आप बनाइए खुद भी बना सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ भी है ना, तुरंत देखिए बन जाएगा, एक्स क्यूब है आ इसको भागा देंगे, एक्स क्यूब का घनमूल एक्स होता है तो तीन से इसमें भागा देंगे तो एक्स बच जाएगा, यहाँ पर आपका एक्स हो जाएगा माइनस वन बटे थ्री एक्स हो जाएगा और बराबर पांच बटे तीन हो जाएगा, अब ये क्यूब करना है पावर तीन गुना करना है तो पांच बटे तीन का क्यूब हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस तीन और गुना पांच बटा तीन और गुना पहला पद गुने दूसरा पद, पहला पद एक्स और दूसरा पद वन बटे थ्री एक्स, अब एक्स एक्स देखिए कट गया है ना, तो आपको एक्स एक्स कट गया ये को तीन भी कट जाएगा, ये पांच का क्यूब होता है एक सौ पच्चीस, तीन का क्यूब कितना होता है सत्ताईस, अब जरा देखिएगा ये प्लस है, अब आपको ऊपर पांच है और नीचे में यहाँ तीन बच रहा है, एलसीएम लीजिए यहाँ से तो सत्ताईस हो जाएगा ये एक सौ पच्चीस हो जाएगा और प्लस जरा देखिएगा तीन नवा सत्ताईस तो पांच नवा पैंतालीस है ना, पैंतालीस और पच्चीस कितना होगा सत्तर है ना, यहाँ हो जाएगा पचास बीस सत्तर एक सौ सत्तर, एक सौ सत्तर हो जाएगा और बटा सत्ताईस हो जाएगा, ये जवाब हो जाएगा आपको पाँच पाँच दस बारह चार सोलह एक सत्तर ठीक है, तो आपको एक सौ सत्तर बटा आपको आ गया सत्ताईस आंसर। आगे भी देखिएगा आपको ये जो प्रश्न है नेक्स्ट टाइप का आ रहा है, ये भी प्रश्न पर हम लोग विचार करेंगे है ना, यहाँ भी कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ही सिंपल बात है इसको समझना, कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन आपको अध्ययन रखना है कि सारा चीज कैसे हल होता है। देखिए यहीं पर सबसे पहले विचार करना है, यहाँ पर ये सोलह एक्स पर पावर छत्तीस है, यहाँ पावर छत्तीस है यहाँ पावर नौ है तो चार गुना है पावर नौ चौपर छत्तीस यानी दो बार स्क्वायर करेगा तब होगा, अब पहला का भी उत्क्रम दूसरा पद, यहाँ भी पहला का भी उत्क्रम दूसरा पद है तो व्युत्क्रम को मैच कराने का कोई मतलब नहीं, बहुत यहाँ मैच होल है ऑलरेडी मैच है पहले से ही मैच है, इसका भी उत्क्रम ये है पहला का व्युत्क्रम, यहाँ भी पहला का व्युत्क्रम है, खाली पावर देखना नौ चौका छत्तीस तो दो बार स्क्वायर करेंगे, पावर चार गुना सिखाए थे, दो बार स्क्वायर करने पर पावर कई गुना हो जाता है चार गुना हो जाता है, तो पहला दफा जैसे इसका पावर दुगना करेंगे तो इस पर पावर दुगना करेंगे तो पावर दुगना करने पर कितना बनेगा चार एक्स पर पावर अठारह बनेगा, इस पर पावर दो लगा देंगे, इस पर पावर दो लगा देंगे तो दो का स्क्वायर चार और इसका पावर दुगना होकर अठारह, इधर आपको हो जाएगा वन बटे इसका हो जाएगा चार और एक्स पर पावर अठारह, और इधर पावर दुगना करने के लिए बताए थे आपको पांच का स्क्वायर आई प्लस है तो माइनस दो है ना, इसमें गुना नहीं होगा क्योंकि पहला का भी उत्क्रम दूसरा है, अब आपको पच्चीस में से दो घट गया, पच्चीस में से दो घटेगा तो क्या लगता है इस, आप इसका देखिए दुगना करेंगे ध्यान से समझिएगा, इसका दुगना करना तो इसका दुगना करेंगे पावर तो पूरे पर पावर लगाएंगे तो चार पर स्क्वायर आपको हो जाएगा, चार का स्क्वायर बन जाएगा सोलह, फिर एक्स पर पावर अठारह का स्क्वायर हो जाएगा एक्स पर पावर छत्तीस, फिर इसका भी पावर दुगना पावर करेंगे तो चार का स्क्वायर सोलह एक्स पर पावर छत्तीस और इधर हो जाएगा तेईस का स्क्वायर, यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ माइनस दो हो जाएगा, तेईस का पाँच सौ उनतीस होता है उसमें से दो घटेगा, आप जरा पाँच सौ उनतीस में से दो घटाया तो बता सकते हैं पाँच सौ कितना हो जाएगा सत्ताईस हो जाएगा, तो ये पावर आपको चार गुना पावर करने का जो नियम था उसी चीज को फॉलो किया गया, खाली उलट उलट के दे दिया गया। नेक्स्ट देखिए
ये जो है आपको प्रश्न यहाँ भी तो वही चीज है, तीन है यहाँ बारह आया है तो इसी तरह से बन जाएगा, है ना। तीन और बारह आया है तो इसी तरह से बन जाएगा, है ना। तीन चौका बारह, तीन चौका बारह, पहले दुगना पावर करेंगे तो टू एक्स का इसका देखिएगा पावर दुगना करेंगे तो दो का स्क्वायर चार हो जाएगा और एक्स पर पावर जो है दुगना होकर छह हो जाएगा। प्लस आ जाएगा आपको इसका जो है आपको दो का चार हो जाएगा और एक्स पर पावर छह हो जाएगा। अब जरा समझिएगा माइनस, अब इधर क्या होगा, इधर आपको चार का स्क्वायर होगा आई माइनस है तो प्लस दो होगा तो सोलह और दो कितना बनेगा अठारह। तो अभी तक आप जो है ये अभी एक ही बार इसका दुगना हुआ, दो बार दुगना करेंगे तब तो इतना पर जाएंगे, है ना। अब फिर पावर दुगना करेंगे तो चार का स्क्वायर हो जाएगा सोलह और एक्स पर पावर हो जाएगा बारह प्लस चार का स्क्वायर सोलह और एक्स पर पावर बारह अबर 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 हो जाएगा अठारह का स्क्वायर। यहाँ से ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस दो होगा, अठारह का स्क्वायर 324 होता है, अब 324 में से दो घट जाएगा तो 322 आपका जवाब बन जाएगा, है ना। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए, सटीक अध्ययन आपको होना चाहिए तो आपको सही जवाब आएगा अन्यथा नहीं आएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं क्लास को, है ना। आगे फिर क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। विशेष रूप से जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए।